हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दादी सा की किचन से। आज मैं बनाने जा रही हूँ सबकी ऑल टाइम फेवरेट डिश, जिसका नाम है पाव भाजी। पाव भाजी मैं बिल्कुल मुंबई स्टाइल में बनाने जा रही हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं। पाव भाजी बनाने के लिए हमने सारी फ्रेश सब्जियाँ लेकर उन्हें बारीक कट कर लिया है। एक बाउल में मटर, लौकी, आलू लिए हैं हमने 3 लगभग, बारीक कटा हुआ प्याज और 2 बीटरूट लिए हैं। बीटरूट डालने से पाव भाजी का कलर बिल्कुल मस्त मार्केट जैसा हो जाता है। ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो यूज़ करें वरना अवॉइड भी कर सकते हैं। टमाटर लिए हैं मैंने बारीक कटे हुए 3 और शिमला मिर्ची ली है वो भी बारीक कटी हुई 3 ली है। एक गाजर, थोड़ी सी हरी मिर्ची और 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट लिया है हमने। बारीक कटा हुआ हरा धनिया लिया है। अब हम मसाले देख लेते हैं। पाव भाजी मसाला लगभग 2 बड़े चम्मच, लाल मिर्च 2 चम्मच, जीरा 1 चम्मच, तेल 2 बड़े चम्मच और नमक स्वादानुसार। सबसे पहले हम एक कुकर ले लेते हैं, गैस ऑन कर लेंगे। अब हम डालेंगे इसमें 1 चम्मच तेल। तेल थोड़ा सा गर्म होने दें, उसके बाद में डालेंगे हम 1 चम्मच जीरा। थोड़ा सा तड़कने लगने पर जीरे में अब हम डालेंगे इसमें मटर, लौकी, उसके बाद में डालेंगे हम आलू, बीटरूट और गाजर। इन सब सब्जियों को हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अब इसमें जाएगा मसाला। सबसे पहले नमक आप अपने स्वादानुसार लें, चम्मच 1 चम्मच हम पाव भाजी मसाला डालेंगे और 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर। इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे और फ्राई करने से भाजी का टेस्ट और टेक्सचर दोनों दुगना हो जाता है। आपको बहुत अच्छे से इसको मिक्स करना है। हम जितना अच्छे से इसको अभी पकाएंगे और फ्राई करेंगे उतनी ही टेस्टी आपकी भाजी बनकर तैयार होगी। तो एक बार बहुत अच्छे से मिला लेते हैं हम इसको। इसके बाद में हम इसमें 2 ग्लास जितना पानी डालेंगे, थोड़ा सा इसे हिला के, और हम कुकर का ढक्कन लगा देंगे। इसकी लगभग 3 सीटी ले लेंगे। जब तक कुकर की 3 सीटी लगती है तब तक हम तड़का लगा लेते हैं। इसके लिए मैंने एक बड़ी कढ़ाई ली है जिससे सब्जियां डालेंगे, तब हम उसमें मैशर से आसानी से इसको मैश कर सकते हैं। तो आप भी ऐसी बड़ी स्टील की कढ़ाई लें, उसमें हम डालेंगे 2 चम्मच तेल। तेल इसलिए डालना है ताकि जब हम बटर डालें तो वो जले नहीं। अक्सर ऐसा होता है कि बटर डालने के बाद में वो जलने लग जाता है। तो अब इसमें डालूंगी मैं बटर। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, ये बटर क्यूब्स मैंने डाली है, बिल्कुल भी जल नहीं रहा है हमारा बटर। तो आप भी ऐसे ही करें, इसे अच्छे से फ्राई कर लें। उसके बाद में हम डालेंगे बारीक कटी हुई शिमला मिर्च। मैंने शिमला मिर्च को बहुत बारीक कट किया है, इससे भाजी बहुत अच्छी बनके तैयार होती है। आप जितना सब्जी को अच्छे से बारीक कट करेंगे उतनी ही भाजी बहुत अच्छी बनके तैयार होगी। इसके बाद में हम डालेंगे इसमें बारीक कटा हुआ प्याज। प्याज और शिमला मिर्च को हम भूनेंगे अच्छे से। जब तक प्याज गुलाबी हल्का रंग का नहीं हो जाता तब तक आप इसे फ्राई करें। हम इसको अच्छे से फ्राई करते जाएंगे जब तक आपको गुलाबी रंग नहीं दिखने लगे प्याज का, तब तक अच्छे से फ्राई करें इसे। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट और बारीक कटे हुए टमाटर। अच्छे से मिक्स करेंगे हम इसे, अच्छे से हिलाएं। देखिए सब्जियों का कलर बहुत अच्छा निखर के आ रहा है। जितना हम अच्छे से इसको फ्राई करेंगे उतनी भाजी और टेस्टी बनेगी। तो आप अच्छे से इसको हिलाएं। उसके बाद में हम अब डालेंगे इसमें नमक। मैं लगभग 2 चम्मच नमक डालूंगी, आप अपने स्वाद के अनुसार डालें। अब डालेंगे हम लाल मिर्च लगभग 1.5 चम्मच, अब इसमें डाल रही हूँ पाव भाजी मसाला,
लगभग 3 चम्मच। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अब डाल रही हूँ बारीक कटी हरी मिर्च, आप चाहें तो डालें, अगर तीखा पसंद नहीं करें तो नहीं डालें। अब इसमें डालेंगे 1 ग्लास पानी, बहुत अच्छे से हिलाएंगे इसे। इसे अच्छे से पकने देंगे। अब हमारी कुकर की 3 सीटियां हो चुकी है तो हम इसे 5 मिनट ऐसे ही रहने देते हैं। और हमारी इस सब्जी को पकते हुए भी 5-7 मिनट हो चुके हैं, तो सारी सब्जियां निकाल लेते हैं एक बार इसमें। ये देखिए बहुत अच्छे से बॉईल हो चुकी है सारी सब्जियां, तो हम इसे अच्छे से मिक्स करके और इसको 5-7 मिनट के लिए ऐसे ही पकने देंगे, जब तक मसाला सारा एक सार हो जाएगा सब्जियों के साथ में। और फिर जब भाजी और अच्छे से हम मैशर से मैश कर सकेंगे। देखिए सारी सब्जियां एक सार हो चुकी हैं। अब हम इसको पोटैटो मैशर से मैश करेंगे। धीरे धीरे चलाएं इसको। बहुत अच्छी खुशबू आनी शुरू हो चुकी है। अच्छे से इसको चलाते जाएं और अच्छे से सब्जियां सारी देखिए मैश हो रही है। अब हम डालेंगे इसमें थोड़ी सी कसूरी मेथी, हल्के से मसल दें हाथ से, और फिर डालेंगे हरा धनिया कटा हुआ। और अच्छे से इसको भाजी को हम हिलाएंगे। धीरे धीरे ये देखिए अच्छे से गाढ़ी हो चुकी है, जैसे हमें मार्केट में मिलती है वैसे ही गाढ़ी हो चुकी है। लेकिन अभी हम इसको थोड़ा सा लो फ्लेम पे पकने देंगे। ये अपना जो हमने बटर और तेल डाला था वो धीरे धीरे छोड़ना शुरू कर रही है। ये देखिए इसका कलर कितना अच्छा हो गया है हमारी सब्जी का। इसको अच्छे से होने दे, 5 मिनट और छोड़ने दे इसको। ये बिल्कुल रेडी है हमारी सब्जी, तो चलिए शुरू करते हैं हम पाव बनाना। मार्केट जैसे सॉफ्ट हमको पाव बनाने के लिए ये हमने बटर ले लिया है। इसमें थोड़ा सा हम पाव भाजी मसाला डाल देंगे, थोड़ा सा धनिया, इसके बाद में हम पाव के बीच में कट लगा देंगे। अच्छे से सिकने देंगे इसे, इसको पलट देंगे हम, इसे अच्छे से पलट देंगे। देखिए बहुत ही सॉफ्ट तैयार हो रहा है हमारा। निकाल देते हैं हम इसे, तो चलिए बिल्कुल रेडी है। तो देखिए गार्निशिंग करने के बाद बिल्कुल मार्केट की जैसी पाव भाजी लग रही है। आप भी इसे जरूर घर पे ट्राई करें और अपने एक्सपीरियंस हमें बताएं। हमारे वीडियो को जरूर लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।